नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर पोटका के बड़ा सिद्धी बिरसा मंच में सिद्धेश्वर सरदार के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर वीर शहीदों का फोटो पर फूल देकर श्रद्धांजलि एवं साल वृक्ष में पानी डालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दिवस को आदिवासी समन्वय समिति द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आदिवासी समुदाय के लोग अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में शामिल हुए। कार्यक्रम में सादेड़ी गांव के करम सुसुन और डांगोरिया गांव के लांगड़े इनज ने लोगों को मनमोहित कर दिया। इस कार्यक्रम में खुशियाली के साथ सारे आदिवासी लोग शामिल हुए। तत्पश्चात विश्व आदिवासी दिवस क्या क्यों पर विमर्श हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न वक्ताओं ने आदिवासी दिवस पर अपना अपना विचार रखा। आज का दिन बहुत ही गौरवशाली दिन है, जो कि विश्व के आदिवासियों का अपना दुख सुख, अपनी परंपरा, रीति रिवाज, अपनी जीविका और सम्मान स्वाभिमान पर व्यक्त करने का अवसर का दिन है। मौके पर पर्यावरण चेतना केंद्र के निर्देशक सिद्धेश्वर सरदार जवा टुडू, गौरी सरदार, महिमा विभीषण, सुरेश सरदार, अर्जुन सरदार, जयंती सरदार, लखिंद्र सरदार, सोनाराम सरदार, शिव चरण हाजदा, धनु टुडू, लखन सोरेन, वीर मोहन सरदार, गोविंद सरदार, सालगे बाजी, दुबई टुडू, सोना मनी सरदार, सुखदेव सरदार, पुष्पा गागराई, कुमार हाजदा, बैरियर माडी आदि उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है और इस आदिवासी दिवस के अवसर पर बड़ा सिद्धि बिरसा मंच में आदिवासी समन्वय समिति के आयोजन से और ध्वजावर चेतना के भी सहयोग से ये आयोजन किया गया है। और इस आयोजन से विभिन्न आदिवासी समुदाय को एक मंच में लाकर अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बचाना और अपने आजीविका को बचाना, जो सदियों से उसकी क्षरण जो हो रहा है, उसका संस्कृति से लेकर उसका धरोहर को उसको कैसे सामूहिक कर सामूहिक रूप से बचाया जाए, क्योंकि विश्व को पता है और देश की सरकार को भी पता है कि आदिवासियों के साथ आज़ादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय लोगों ने स्वीकारा है, तो वो अन्याय को कैसे उसके ओर से रुकेगा और हमारे ऊपर हमको कैसे संरक्षण होगा, इसका संदेश देना चाहते हैं। और इसी का ही एक विचार विमर्श वही हुआ कि हम जो लुटाए, हमारा जो क्षरण हुआ, हमें जो बेघर किए, हमें जो विस्थापन किया, और हमें और विस्थापन बर्दाश्त नहीं होगा। हम एकजुट होकर हमारे अपना आजीविका को, अपना सम्मान स्वाभिमान आज़ादी को हम फिर से बचा कर रखेंगे। और इसी का संदेश आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर दिया जा रहा है, जो आज हम कोई समुदाय के लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, हमारे वीर साहिबों का श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और अपने सरना धर्म की जो आस्था है उस आस्था को भी यहाँ साल पेड़ में पानी सारे लोग डालते हुए एक संदेश दिया है कि हमारा धरोहर, हमारा सांस्कृतिक बचाना है।